दोस्तों, मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील को कनाडा में दिल का दौरा पड़ा है। तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील ने वालिद को कनाडा में दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक की और अपने ट्वीट में कहा कि वालिद इस वक्त कनाडा में हैं और इनको दिल का दौरा पड़ने पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला की फजल से अब इनकी हालत बेहतर है, अवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। यूसुफ जमील के बयान को मौलाना तारिक जमील के ऑफिशियल अकाउंट से भी रीट्वीट कराया गया है। अपनी वीडियो में यूसुफ जमील ने बताया कि परेशानी वाली खबर थी लेकिन अब नहीं है, वालिद कनाडा में मौजूद है। इनका कहना था कि पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे और कनाडा के वक़्त के मुताबिक रात के 3 बजे दिल में तकलीफ हुई और सीने में दर्द हुआ। इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां सारा प्रोसीजर आफियत से मुकम्मल हो गया और इस वक्त वो ठीक है और अस्पताल में हैं। इन्होंने कहा कि घर से दूर रहना परेशानी का बायस है। उन्होंने तमाम मुसलमानों से वालिद के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है। दोस्तों, आखिर में हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।